नमस्ते किसान भाइयों, हम बात करेंगे अरहर की फसल पर कीटों के नियंत्रण के लिए कौन कौन से कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, और आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। ये दोस्तों एक्साडोस, जो कि पशुरा क्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोडक्ट है। यह एक बेहतर प्रोडक्ट है। और जो दूसरा है, यह सरपंच, जो कि जेएसपी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोडक्ट है। इन दोनों को मिला के अरहर की फसल में छिड़काव किया तो 100% रिजल्ट मिलता है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं एक्साडोस इंसेक्टिसाइड के बारे में। यह पशुरा क्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है। इसमें घंटे ने टी सैपोनिन लिक्विड 5%, सीविड 8%, एक्वस मीडिया 87%। एक्साडोस पौधों को कीटों और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। यह पौधे के विकास में मदद करता है और बढ़ावा देता है। यह एक हर्बल एक्सेक होने के कारण इससे पौधों, पशु तथा मनुष्यों को हानि नहीं होती है। यह पूर्णतः कंट्रोल में रखता है थ्रिप्स, भुनगा, माइट, सफेद मक्खी, चेपा, तेला, चूर्णा, मिलीबग, मावा, लगभग सभी रस चूसने वाले कीटों को यह पूरी तरह कंट्रोल में रखता है। अब बात करते हैं सरपंच इंसेक्टिसाइड के बारे में। जेएसपी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की यह प्रोडक्ट है। इसमें घंटे ने प्रोपेनोपोस 14% और साइपरमेट्रिन 4%, प्रोपेक सुपर बोलवार्म कॉम्प्लेक्स के लिए संयोजक उत्पाद है। इसमें मजबूत संपर्क पेट और डीप ग्रंथि कार्रवाई होती है। यह एक उत्कृष्ट अनुवाद क्रिया कर रहा है। जब पत्ती की ऊपरी सतह पर छिड़काव किया जाता है तो यह तुरंत पत्ती की निचली सतह पर पहुंच जाता है। यह पौधों को कोशिकाओं में आसानी से अवशोषित हो जाता है, जिससे वर्षा प्रभावित नहीं होती है। यह पूरी तरह कंट्रोल में रखता है अमेरिकन इल्ली, बोलवार्म, कपास की इल्ली, तनाछेदक इल्ली, डंकी मक्खी, गुलाबी सुंडी, तंबाकू इल्ली, भुनगा, बैंगन की सुंडी, हरी इल्ली, लगभग सभी इल्लियों को यह पूरी तरह कंट्रोल में रखता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों को मिला के कितनी कितनी मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। जो एक्साडोस है उसको 15 लीटर पानी में 25 ml मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, और जो सरपंच है इसको 15 लीटर पानी में 30 ml मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाने वाला हूँ इसका छिड़काव करके। इन दोनों को मिलाकर स्प्रे किया तो यह दोनों पत्ती लपेटक कीट, फली मक्खी, फली भेदक कीट, नीली तितली, माहू, फली बग और इल्लिया, इन सब को यह कंट्रोल रखता है। अरहर की फसल, रस चूसने वाले कीट और इल्लिया दोनों का प्रकोप ज़्यादा होता है। ये देखिए दोस्तों, छिड़काव करके 2 घंटे हो गए तो रिजल्ट आपके सामने। ये देखिए दोस्तों इल्ली, ये देखो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, छिड़काव करके सिर्फ 2 घंटे हो गए, रिजल्ट आपके सामने है किसान भाइयों। ये देखिए, इन दोनों को मिला के स्प्रे किया तो ये रस चूसक कीट और इल्लिया दोनों को भी खत्म करते हैं। हमने इन दोनों को मिला के अरहर की फसल पर छिड़काव किया। ये देखिए रिजल्ट आपके सामने। देखिए दोस्तों,